नमस्कार दोस्तों, हमारा वीडियो के लिए आपका स्वागत है। वेलकम फ्रेंड्स, लेट अस एनालाइज निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, टुडेस बिहेवियर एंड मंडेस प्रोबेबिलिटीज। तो आज का मूवमेंट क्या था निफ्टी बैंक निफ्टी में और मंडे का मूवमेंट क्या रहेगा, ये हम देख लेते हैं। पहला सा हम निफ्टी का एनालाइज करते हैं। वी शैल सी व्हाट इज निफ्टी डन टुडे। सो निफ्टी हैज मेड अ न्यू हाई। सो हाई पे गया था और वहाँ सस्टेन नहीं हुआ और वहां से वापसी कर दिया। सो यहाँ पे ऊपर एक बढ़िया मूवमेंट दिखाया, CE1 को ट्रैप किया, एक जोन में रह गया, उसके बाद थोड़ा नीचे आया, एक बार फिर से यहाँ पे ऊपर जाने का कोशिश किया और फिर से यहाँ पे नीचे निकल गया। यहाँ पे रिवर्स माला, लेकिन हाई जाने का कुछ कोशिश नहीं किया, लेकिन लास्ट में 15,800 के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया। सो इट हैज गिवन ए गुड क्लोजिंग ऑफ 15,805 एट द एंड आफ्टर मेनी स्विंग्स इन द इंट्राडे सेशन। सो फ्राइडे मार्केट एज यूजुअल इट वाज चॉपी, इट वाज साइडवाइज, डिड नॉट गिव मनी so easily to the intraday traders. It trapped, it took money from them, and then it made a little bit of comeback. थोड़ा सा buying हुआ है अंत में, ये निफ्टी का मोमेंट है। इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस पे हम देख लेते हैं। यही आपका रेजिस्टेंस रहेगा कि ये लो, ये जोन जो रहता है ना 15,832, 840, that particular thing is immediate resistance. 15,800 is also psychological support, but below that we are going to see after reducing the size of the चार्ट। वो चार्ट को हम बदल के थोड़ा छोटा कर देते हैं, उसके बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस का बात करता है। सो रेजिस्टेंस है मल्टीपल, सो आपको रेजिस्टेंस को देखना है। यहाँ पे 15,800 अगर थोड़ा तो 780 तक यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस मिलेगा, उसके बाद 760-750 का पास आपको एक रेजिस्टेंस मिलेगा। यहाँ पे 700 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस रहेगा, बार बार यहाँ पे ट्रेडिंग हुआ है, ऊपर नीचे यहाँ पे भी गया है। उसके बाद सीधा हम कह सकते हैं कि 710 रीजन जो रहता है ना, 710-720, वो रीजन में आपको थोड़ा सपोर्ट मिल सकता है। 703-704 वहाँ पे आपको थोड़ा सपोर्ट मिल सकता है, वहां से घूम के मार्केट ऊपर चल सकता है। उसके नीचे अगर मार्केट जा रहा है तो यहाँ तक आप देख सकते हैं कि मार्केट ये जोन में 15,680 ये जोन में अगर गिरा तो 15,610-620 वो लेवल को भी आप देख सकते हैं। 650x आपको सपोर्ट मिलेगा, उसके बाद सीधा 610 या 600 ये आपको सपोर्ट मिलेगा। मैंने बार बार बोला था मार्केट वीक नहीं है, मार्केट को अंधे तरीके से शॉर्ट मत कीजिए। ओके, सो बहुत लोग गाली भी दिया, बोला था तुझे क्या पता है, कुछ भी नहीं पता है, ऐसा ही वीडियो डाल के बेच देता है, तो क्या करना चाहता है मार्केट में। भाई लोग भी देख लिया कि मार्केट उतना ज्यादा गिरावट नहीं दे रहा है, ऊपर नीचे करके एक जोन में सपोर्ट लेके वही पे घूम रहा है। ओके, मार्केट जो दिखाता है वही बताने का कोशिश हम करते हैं कि हमारा कुछ स्पेशल एनालिसिस नहीं है, हम कोई ज्योतिष नहीं है कि 100% एग्जैक्ट बता दे सब कुछ। ये एक ट्रेंड लाइन आप लेके चलिए, ओके, सी दिस ट्रेंड लाइन एंड कीप इन माइंड नोबडी इज 100% परफेक्ट इन द मार्केट। ओके, एंड FIDII विल नॉट रिवील देयर एक्शंस, उसके बारे में वो खुद क्यों बताएगा तुम लोगों को, है ना दोस्तों। देखिए, अगर गैप अप होके यहाँ पे सस्टेन होके 830 अगर ब्रेक करता है तो 900 तक ये जा सकता है। अगर गैप डाउन होके ये ट्रेंड लाइन और सपोर्ट लाइन को तोड़ के नीचे आता है तो बहुत ज्यादा सपोर्ट्स मिलेगा, लेकिन किधर तक जा सकता है। अगर 15,700 को क्रॉस कर दिया तो सीधा 15,650 तक जरूर आएगा। ओके, इसके बारे में आप ध्यान दीजिए, ये सब लेवल्स आप नोट करके इसके बारे में आप इसके सहाय से लेके ट्रेड कर सकता है। ऑप्शन चेन में इसका क्या डेटा है, ऑप्शन चेन में भी आप देख सकते हैं कि कॉल रेटिंग पुट रेटिंग के मुकाबले एट दी मनी ओके बराबर है। 20,200 या 300 का लेवल यहाँ पे है, 18,200 यहाँ पे एक बेयर और बुल फाइट 15,800 में जारी है। ओके, बराबर टक्कर दे रहा है, लेकिन ऊपर साइड आप देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट बढ़िया बिल्डअप हुआ है, कॉल रेटिंग बढ़िया बिल्डअप हुआ है, लेकिन पुट रेटिंग ज्यादा नहीं हुआ है। पुट रेटिंग 15,500 तक उतना ज्यादा मजबूत नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन मंडे मार्केट अगर गैप अप ओपन हो गया और 900 तक अगर पहुंचने का सिग्नल दे दिया तो ये सब अनवाइंड हो जाएगा, ये लोग भाग जाएगा और यहाँ पे आपको सपोर्ट बिल्डअप करने का एक राइटिंग दिख सकता है। ओके, यहाँ पे सभी पुट रेटिंग इंक्रीज हो सकता है, कि यही ऑप्शन चेन डेटा आपको फाइनल नहीं है, इसी को देख के आपको ट्रेड नहीं करना है। ओके, रियल टाइम ऑप्शन डेटा जो जनरेट होगा 9:15 के बाद, 9:20-9:25 में आप देख के उसके बाद आप डिसीजन लीजिए। सो बोलता है कि हम एक कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं,
जुलाई 14 से अगर कोई इंटरेस्टेड है कोर्स में ज्वाइन हो सकता है। बहुत ही लो फीस रखा है, बहुत ही ज्यादा हम आपको स्ट्रेटेजीज बताने वाला है। जो बड़ा बड़ा आदमी जो कोर्स फीस लेता है 20,000-30,000, वो कोर्स हम बहुत ही नॉमिनल कर दिया है और बहुत सारा स्ट्रेटेजीज आपको बताने वाला है। इंटरेस्टेड लोग है तो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, कोई किसी से हम फोर्स नहीं कर सकते कि मर्जी के खिलाफ आदमी नहीं जा सकता है। तो सीखने का मन है तो जरूर कॉन्टेक्ट कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप लिंक है, वहाँ पे ज्वाइन करके, और जो भी व्हाट्सअप में ऑलरेडी मौजूद है वो अगर कोर्स लेने का मन है तो कॉन्टेक्ट कर सकता है। कोई वो अगर नहीं कर सकते तो रिवर्स हमको मत बोलिए कि तुम्हारा कोर्स का है तुक्का है, वो सब मत बोलिए, क्योंकि हमारा कोर्स क्या है हमको पता है। सो इंटरेस्टेड हो ज्वाइन कीजिए, कॉन्टेक्ट कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। और हम देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या हुआ, आज एक गिरावट आया लेकिन उसके बाद एक सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। ओके, वो सपोर्ट किधर लिया, एग्जैक्टली 34,900। ओके, देख सकता है मूवमेंट आपको अपने आप अपने आंख से देख सकता है कि सुबह से ही यहाँ पे डाउनफॉल जारी था 5 मिनट्स चार्ट में। ओके ओके, यहाँ पे सुबह से ही डाउन चार्ट दिखा दिया, उसके बाद थोड़ा पिकअप किया और कंसोलिडेट करके वेट किया। मार्केट ने 35,000 का ऊपर क्लोज करने में कामयाब तो हुआ है, लेकिन इसके ऊपर अगर चलने का इसका ताकत है, मंडे हमको देखना है कि कैसा मूवमेंट रहेगा। तो मंडे के लिए यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसा बिल्ड हुआ है इसको हम देख लेते हैं कि नियरेस्ट ट्रेडिंग सेशन हम देख के यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं। तो पहला रेजिस्टेंस 35,750 बहुत दूर का है, उसका बाद हम देख सकते हैं 35,580 भी एक बढ़िया रेजिस्टेंस है, 35,000 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस बन जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर कहीं पे आपको ट्रेडिंग वो दिखेगा कि 35,370 का रेंज में, और उसके नीचे हम आ सकते हैं 35,310 भी एक सपोर्ट का रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे 35,240-250 वो रेंज में थोड़ा हमको सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम किया है। उसके बाद डायरेक्टली हम 35,100-110 ये लेवल में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, और 35,000 इमीडिएट आपको एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट माना जाएगा। उसके बाद नीचे आज जो रिवर्सल मारा 35,900 वो लेवल भी आपको एक सपोर्ट मिलेगा, उससे नीचे हम जाएंगे तो 34,790। ओके, 780-790 यहाँ पे आपको सपोर्ट मिलेगा, उससे नीचे अगर हम जाएंगे तो हमको ये लेवल दिखाई देगा 34,650। ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा बैंक निफ्टी के लिए। यहाँ पे आपको कुछ ट्रेंड लाइन का जरूरत नहीं है, रियल टाइम डेटा देख के रियल टाइम चार्ट कैसा बिल्डअप हो रहा है उसके बाद यहाँ पे आप ये लाइन लेके आप खुद ही कुछ ट्रेंड लाइन बता सकता है, ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कर सकता है। ओके, खुद ही कुछ ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकता है। अगर मंडे इसके ऊपर ओपन होके रेजिस्टेंस सारे तोड़ के गए तो 35,300 तक जाने का चांसेस है, अगर लो ओपन होके सपोर्ट को तोड़ के गया तो 34,750 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ से रिवर्सल फिर से आ सकता है बैंक निफ्टी में। ये हालत है बैंक निफ्टी का आज का ट्रेडिंग सेशन में, ये आपको दिख रहा है कि चार्ट में। और हम जाएंगे बैंक निफ्टी के और ऑप्शन डेटा एनालिसिस करने, यहाँ पे क्लियरली 35,000 ADM है एट द मनी, और देख सकता है कॉल और पुट यहाँ पे बहुत बढ़िया रेटिंग हुआ है, दोनों तरफ से बराबर रेटिंग हुआ है, ऑलमोस्ट 31,000 कॉन्ट्रैक्ट दोनों तरफ से आप देख सकते हैं। तो 35,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों का काम करेगा। सो उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि कॉल रेटिंग बहुत हुआ है, सो मंडे एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, और 35,500 में बढ़िया आपको रेटिंग हुआ है कॉल साइड में। सो रेजिस्टेंस तो बहुत रहेगा, ऊपर जाने के लिए बहुत ताकत लगाने पड़ेगा बैंक निफ्टी के लिए, लेकिन नीचे आप देख सकते हैं 34,500 तक उतना ज्यादा कॉल रेटिंग पुट रेटिंग नहीं हुआ है। सो यहाँ पे थोड़ा हल्का सा सपोर्ट आपको जरूर मिलेगा, लेकिन 650 एक जोन है, ऐसा जोन है कि बार बार 650 से थोड़ा टकरा के या 650-680 जोन से वापस आ रहा है बैंक निफ्टी। सो ये देख के आप ट्रेड कीजिए, रियल टाइम कैसा बिहेव कर रहा है, क्या चार्ट बिल्डअप हो रहा है, क्या न्यूज है उसके हिसाब से चल रहा है, क्या क्या बैंक वैसा परफॉर्म कर रहा है, उसके बाद आप शॉर्ट करने का या लॉन्ग करने का सोचिए। सो ओवर नाइट कैरी मत कीजिए, ऑप्शन बहुत रिस्की होगा कि आपका पैसा किसी आपका और का हवाले करके आप चीन से नींद नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ओवर नाइट ऑप्शन को कैरी करना उतना ज्यादा एडवाइजेबल नहीं है। ये बोलते हुए हम आज का वीडियो यही पे बंद करेंगे। दोस्तों अगर कोर्स ज्वाइन करने का एक इच्छा है तो हमें व्हाट्सएप में कॉन्टेक्ट कीजिए, नीचे व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है,
आप व्हाट्सएप ज्वाइन करके कोर्स के बारे में पता कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।